हेलो स्टूडेंट, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। तो आज आपका पेपर था मैथमेटिक का, क्लास ट्वेल्थ का जो है मैथमेटिक, जिन बच्चों ने लिया था उनका आज मैथ का पेपर था। तो सबसे पहले तो आपको ये पूछना चाहता हूं कि कैसा रहा आपका पेपर। आशा करता हूं कि सभी लोगों का पेपर अच्छा रहा होगा, लेकिन आज मैं आपको इन वीडियो में बताना चाहता हूं कि जो पेपर आए थे उनका जो आंसर की है वो क्या है, यानी कौन से क्वेश्चन का सही आंसर क्या है वो मैं आपको देने वाला हूँ। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है कि आपका आंसर सही है या नहीं है, तो आप मेरे इस वीडियो में जो मैं आंसर देने वाला हूँ उस आंसर से आप अपने आंसर मैच करिए। आशा करता हूँ कि आपके सभी आंसर सही जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आपको ज़रूर मिलाना चाहिए इन मेरे इस वीडियो से कि आपका आंसर और मेरे आंसर जो एक टीचर के आंसर है वो मैच कर रहे कि नहीं कर रहे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले मैं इस वीडियो में आपको सेट नंबर 1 का जो आंसर किए वो दूंगा, फिर मेरे अगले वीडियो में आपको सेट नंबर 2 के आंसर की दूंगा, और थर्ड वीडियो में मैं आपको सेट 3 के आंसर की दूंगा। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं हम सेट 3 की। करते हैं सेट नंबर 3 की। सेट नंबर 3 जिसमें लिखा है 65/4/3, इसी टाइप से मैंने आपको पहले बता चुका हूँ 65/1/1, 65/1/2, 65/1/3 इस टाइप का भी सेट हो सकता है, और ये 65/4/3 टाइप का भी सेट हो सकता है, या 65/3/1 इस टाइप का भी सेट हो सकता है। तो सेट का कोई भी हो, लेकिन अंदर के क्वेश्चन अभी जैसे मैंने पिछले वीडियोस में बताया कि उसके जो अंदर क्वेश्चन होते हैं वो सेम ही होते हैं। तो चलिए हम चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ए, यानी कि 3x4। क्वेश्चन नंबर टू का भी आंसर जो है वो है ए। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का आपको आंसर मिलेगा बी। क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 का जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट, ये देखो ये भी रिपीट हुआ है, तो बी डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का ए ऑप्शन करेक्ट है, ये भी रिपीट हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का जो है वो डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका जो ऑप्शन है वो 2, यानी कि ये करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 10 में आपका ऑप्शन जो है वो ए करेक्ट है। इस तरह से हमने फर्स्ट 10 क्वेश्चन के आंसर पता कर लिए कि उसके ऑप्शन उसके सही आंसर क्या है, आपने भी मैच कर लिए होंगे। अब हम चलते हैं हमारे अगले 10 क्वेश्चन के ऊपर कि उनके आंसर क्या है। आप अपना पेपर उठाइए और मिलाते जाइए कि उसके आपके आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसका जो डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 का जो बी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 का भी आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, ये भी रिपीट हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में आपका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ओके, ये भी रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 का सी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 का डी 3:1 एक्सटर्नली, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 का जो डी ऑप्शन है 1/70, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, फिर से देखिए वही सेम आ गए, ये इसका असर्शन करेक्ट है और इसका रीज़न भी करेक्ट है, यानी 19 में दोनों ही करेक्ट है। इसका मतलब जो फर्स्ट ऑप्शन इसका है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है, यानी क्वेश्चन नंबर 19 के लिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। और जो दूसरा क्वेश्चन है ये देखिए, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैव देयर इनवर्स ओवर देयर रिस्पेक्टिव डोमेन्स, और द इनवर्स ऑफ 10 इनवर्स एग्जिस्ट फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू आर। इसमें ये जो फर्स्ट वाला है वो रॉन्ग है, लेकिन सेकंड वाला यानी रीज़न जो है वो करेक्ट रीज़न है। इस कारण से इसका जो ऑप्शन नंबर डी है, ये वाला डी, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, यानी क्वेश्चन नंबर 20 के लिए ये वाला आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने सभी पेपर के आंसर की आपने जान ली। आशा करता हूँ कि आपको इससे कुछ मदद मिलेगी। अगर इसके बाद भी आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट्स के थ्रू जरूर पूछिए, मैं आपके आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। तो आप ही खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।